नमस्कार दर्शकों, आपका बकवास न्यूज में स्वागत है। हमें आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार दीपावली 24 नवंबर को बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। सन 2021 में चाइना झालर बैन था, फिर भी लोग अपने घरों पर चाइना झालर लगाए थे। माननीय श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, प्रिय देशवासियों, आप लोग अपने घरों में मिट्टी से बने दीयों में तेल या घी डालकर दिए जलाएं, लेकिन ऐसा कुछ ही देशवासियों ने किया था। लेकिन इस बार तेजी से धुआंधार झालर बिक रहे हैं। 2022 में माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि देसी जुगाड़ सबसे अच्छा होता है। इसलिए दिए में घी या तेल डालकर दिए जलाएं, अपने घर व अपने पड़ोस को स्वच्छ रखें। और हाँ, हमारे वाराणसी ज़िले में डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों को भयभीत कर दिया है। कुछ ग्रामवासी और शहरी इलाके में डेंगू का बहुत भयानक प्रकोप फैला है, लोगों को खौफ बढ़ा है। और मेरा मानना है कि सभी ग्रामवासी मच्छरदानी लगाकर सोएं, जिसके पास मच्छरदानी न हो वो धोती से मच्छरदानी बना के सोएं, लेकिन मच्छरदानी जरूर लगाएं। और डेंगू से बचने के लिए दूसरा भी उपाय है, मैं उच्च न्यायालय से अपील करता हूँ कि मच्छरों को विभिन्न जातियों में बांट दिया जाए, ताकि वो आपस में ही लड़कर मरे, इससे भी बचा जा सकता है डेंगू से। आप लोग जब भी मार्केट या बाजार जाएं, आप लोगों को भीड़ भाड़ जाम मिल सकता है, इसमें ट्रैफिक पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप लोग ज़्यादा संख्या में मार्केट या बाजार सड़क पर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि भीड़ लगेगा, इसीलिए मेरा मानना है कि आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सड़क के किनारे से चलें, ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ न लगाएं, दूरी बनाकर रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और लास्ट में मौसम, लिखा तो हो बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, सर्दी आने वाली है, सर्दी दस्तक दे रहा है। आप लोगों के पास पुराना जैकेट, मोफलर, स्वेटर, इनर जो भी है आप लोग उसको धुलवा लें, और जिसके पास नहीं है वो खरीदने की कोशिश करें। बस आज तक इतना ही। आपको हमारे बकवास न्यूज वीडियो के साथ अब तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को एक बहुत ही धांसू बकवास न्यूज लेकर के इधर ही मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।